हेलो स्टूडेंट्स, इकरा हाई स्कूल ऑनलाइन टीचिंग स्टैंडर्ड थर्ड मीडियम इंग्लिश चैप्टर 1 एवरीडे थिंग्स। सो आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन डिटेल। डियर स्टूडेंट्स, दिस ईयर यू आर इन द थर्ड स्टैंडर्ड, द फ्रेश न्यू एकेडमिक इज ऑलरेडी स्टार्टेड। सो dear students, English is compulsory and English is a need of the hour. Without English nowadays it is very difficult to survive. For that you have to understand, you have to develop vocabulary, you have to understand, you have to pronounce good pronunciation. These all multitask in English language. You better understand grammar, then you can able to understand English well. So students, यहाँ आप देख सकते हो कि आपका जो main front cover आप टेक्स्ट बुक का एक्सप्रेशंस इंग्लिश मल्टी स्किल कोर्स बुक, नेक्स्ट द यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर द फर्स्ट चैप्टर आपका एवरीडे थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ हम देखते हैं एवरीडे थिंग्स जो हमारे डेली लाइफ में रोज़ाना ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं, एवरीडे हर रोज़ ये हमारी जो वस्तु होती है, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखते हैं लेट्स गेट गोइंग, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया, विच ऑफ दिस थिंग्स डू डू एवरीडे, आपको टिक करना है आप कौन सी चीज़ें रोज़ ओके आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप देखते हैं ईट नूडल्स, बी में दिया गो फॉर ए वॉक, प्ले इन द रोइंग, फाइट विथ योर सिस्टर और ब्रदर, गो टू स्कूल। यहाँ आप देखते हैं एक्चुअली जनरली कंसेप्शन हम देखते हैं ईट नूडल्स, हम रेगुलर नूडल्स तो शायद नहीं यूज़ करते, कभी कभी यूज़ करते हैं, सो इट में रॉन्ग। गो फॉर ए वॉक, अक्सर लोग वॉक पे जाते नहीं भी जाते तो इट्स ओके समटाइम। प्ले इन द रेन, बारिश तो हमेशा नहीं होती है, सिर्फ मानसून रेनी सीजन में होती है, सो एवरी डे हम नहीं करते, दिस ऑल्सो रॉन्ग। अगेन हम देखते हैं फाइट विद सिस्टर ब्रदर, है ना, कभी कभी आप आपके बहन और भाई के साथ कभी कभी झगड़ा करते, रोज़ तो नहीं करते, है ना। सो यह हमारा सेंस बताता है कि ये रॉन्ग। गो टू स्कूल, ठीक है, अगर हम रेगुलर गो टू स्कूल अभी, ठीक है, ड्यू टू पैंडेमिक, ड्यू टू दिस कोविड 19 जो ये इसके वजह से हम अभी आप फिलहाल नहीं जा रहे, लेकिन ओके सो ये क्वेश्चन को आप ईजिली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सेकंड में, राइट थ्री थिंग्स अदर दैन दोज मैंशन अबाउट दैट यू डू एवरी डे। यहाँ पे ऊपर जो दिया है इसके अलावा आप एवरी डे क्या करते हो, जैसा कि हम एवरी डे बात तो करते ही, रोज़ बात करनी चाहिए, नहाना चाहिए, जिस यहाँ आपको लिखना है ओके आप बोल सकते हो कि आई टेक बाथ एवरी डे, हर रोज़ मैं नहाता हूँ, ओके आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, हर रोज़ मैं दांत साफ करता हूँ, ब्रश करता हूँ, ओके आई एवरी डे टेक मील्स, मैं हर रोज़ खाना खाता हूँ, ऐसे चीज़ें आपको यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ थर्ड में आपको दिया हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री, हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन है आपको जानना चाहिए, क्योंकि हम जो देश में रहते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होती है, वो आप सब्जेक्ट में सीखोगे, सीखते रहोगे। तो यहाँ पे हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फोर्थ में दिया है विच ऑफ दीज थिंग्स इज़ द प्रेसिडेंट लाइकली टू डू। यहाँ पे देखो हमारे कोई भी, ठीक है, देश के प्रेसिडेंट वो क्या यहाँ पसंद करते हैं, एग्जाम्पल रेस्ट व्हेन इज टायर्ड, जब वो थकान महसूस करते तो वो आराम करना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली राइट। बी में ईट ब्रेकफास्ट, एग्जैक्टली वो भी इंसान है, वो भी ह्यूमन बींग है, वो भी ब्रेकफास्ट लेते हैं, राइट। ट्रैवल इन ए कार, हाँ एग्जैक्टली वो ट्रैवल करते हैं कार में, दैट इज़ ऑल्सो राइट। सिंग ऑन स्टेज, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, सो स्टेज पे गाना गाना, सो ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि भाई कभी कभी इस तरह का ओकेशंस आते हैं तो हो सकता है। नेक्स्ट राइट लेटर्स, एग्जैक्टली बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं, सो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्टिविटी में एवरीडे थिंग्स करते हैं। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ हम देखते हैं रिसाइट एंड रिजॉइस, हम इसको रिसाइट पढ़ते हैं ये पोएम को, ओके नेक्स्ट हम इसको हाँ एंजॉय भी करते हैं, रिजॉइस भी करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, देखो आप तस्वीर में देख सकते हो एवरीडे थिंग्स यहाँ पे दिया, मिलियनर्स
presidents, even kings, can't get along without everyday things. Where you president, king or millionaire, you'd use a comb to comb your hair. यहाँ पे क्या बताया ये four lines में, चाहे आप millionaire हो, चाहे आप लखपति या करोड़पति हो, बहुत सारे पैसे वाले हो, या आपके कोई देश के president हो, या even आप कोई देश के राजा kings हो, can't get along without everyday things. जो रोज़ाना ज़िंदगी में जो हम करना उससे बच नहीं सकते, चाहे उनका कितना बड़ा होदा हो, वो है इंसान, ह्यूमन बींग. वेर यू प्रेजिडेंट, किंग और मिलियनर, चाहे आप प्रेजिडेंट थे या आप राजा थे या मिलियनर थे, आप पैसे वाले थे, यूड यूज़ ए कॉम टू कॉम योर हेयर. चाहे आदमी कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर इंसान के बाल होते तो दरअसल वो कंघी करते हैं, कॉम करते हैं. सो ये एब्सोल्युटली राइट है, ये राइट. नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं. इफ़ यू विश टू बी क्लीन एंड यू आई होप यू टेक ए बाथ विथ वाटर एंड सोप एंड यूड हैव टू ईट इफ़ यू वॉन्टेड टू ईट ब्रेड एंड वेजिटेबल फिश एंड मीट. अब सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ क्या बता रहा है हम देख सकते हैं स्क्रीन पे स्टूडेंट्स. इफ़ यू विश टू बी क्लीन, अगर आप साफ सुथरा रहना चाहते हो, एंड यूड ज़रूरी आप रहना चाहिए, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, यू टेक ए बाथ विथ वाटर एंड सोप, हम नहाते हैं ना किससे, पानी और साबुन से, राइट. एंड यूड हैव टू ईट, आपको खाना चाहिए, इफ़ यू वॉन्टेड टू ईट, जब आप खाना चाहते हो, ब्रेड एंड वेजिटेबल्स, ओके रोटी या ब्रेड और वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फिश एंड मीट, मछली और गोश्त, इस तरह की चीज़ें हमें एवरीडे थिंग्स में इनएविटेबल ज़रूरी होती है. अब यहाँ पे थर्ड स्टैंड थर्ड लाइन्स में आप देख सकते हो, वाइल यू ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट, वाइल यू आर ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट वुड प्रोबेबली बी मिल्क और चॉकलेट कॉफ़ी और टी. तो यहाँ आप देख सकते हो वाइल यू आर ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट, जो हम देखते हैं अक्सर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में नाश्ते में हम लेते हैं ना, शायद वुड प्रोबेबली बी, आप देखिए हर की अलग अलग पसंद होती है, आपकी अलग अलग चॉइस होती है, तो आप यहाँ पे शायद मिल्क और चॉकलेट लेते हो, मतलब कॉफ़ी और टी दो में एक ऑप्शन होता है, या मिल्क और चॉकलेट या कॉफ़ी और टी ये लेते हैं. यूड हैव टू वेयर, हमें पहनना भी ज़रूरी है बींग ह्यूमन बींग. यू कुड हार्डली रेफ्यूज़ अंडर क्लोज, आप कभी रेफ्यूज़ ही नहीं कर सकते हो अंडर क्लोज आउटर क्लोज को, ओके इनर क्लोज आउटर क्लोज, जिससे हमारी अंडर क्लोज भी होते हैं ना, जिससे बनियन पहनते हैं ऐसे, नेक्स्ट आउटर क्लोज, सो स्टॉकिंग्स एंड शूज़, ये कंपलसरी होती है, ओके तो इससे हम बच नहीं सकते, तो ये हमारे एवरीडे थिंग्स में आ गए. तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे स्टूडेंट्स. इफ़ यू विश टू मेक रिमाइंडिंग नोट, यू टेक ए पेंसिल आउट ऑफ योर कोट एंड यू कुडंट साइन अ लेटर आई थिंक विथ एनीथिंग बेटर देन पेन एंड इंक. यहाँ आप देखोगे इफ़ यू विश टू मेक ए रिमाइंडर नोट, अगर बहुत सारी चीज़ होती है हमें लिखना ओके ज़रूरी होता है या भूल जाते हैं, इस तरह का हम नोट करते हैं डेली, है ना, डायरी राइटिंग हैबिट्स होती है, तब आप करो आप क्या करोगे, यू टेक ए पेंसिल आउट ऑफ योर कोट, आपके कोट से पेंसिल बाहर निकालोगे एंड यू कुडंट साइन ए लेटर, ओके अगर आपको कोई लेटर साइन करना विदाउट पेन के पेंसिल के तो इट्स नॉट पॉसिबल आई थिंक, सो विद एनीथिंग बेटर दैन पेन एंड इंक, तो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर सिग्नेचर लिखने के लिए, बेटर पेन एंड इंक का यूज़ करते हैं, राइट पेन यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारे एवरीडे थिंग्स में आ गया. नेक्स्ट हम आगे बढ़ के देखते हैं तो यहाँ पे इफ़ यू वॉन्टेड टू रीड, अगर आप पढ़ना चाहते हो, यूड बी श्योर टू लुक एट न्यूज़ पेपर मैगजीन और ए बुक, आप पढ़ना चाहते हो, जो भी हम पढ़ना चाहते हो जनरली ये तो चीज़ होती है, न्यूज़ पेपर पढ़ना चाहते हैं या मैगजीन होती है बहुत सारे, ओके फोर्थ नाइटली 15 डेज के होते हैं, मंथली मैगजीन्स होते हैं और देश दुनिया भर की उसमें सारी खबरें और होते हैं, तो वो हम पढ़ना चाहते हैं, और कोई भी किताब बुक, तो ये भी अगर हम एवरीडे हम लोग ये करते हैं, ये हमारे एक इनएविटेबल पार्ट है लाइफ का. नेक्स्ट हम और आगे देखते हैं, एंड इफ़ इट हैपेंड डैट यू वर इल, अगर आप मान के चलोगे आप बीमार हो गए इल, यू डन सम ऑयल और चोक ऑन ए पिल, ठीक है आप क्या करते हैं यहाँ पे हम एक पिल लेते हैं, ओके एक दवाई लेते हैं, टैबलेट हो है ना या इस तरह की दवाई लेते हैं. इफ़ यू हैड ए कोल्ड आई कैन ओनली सपोज यूड यूज़ ए हैंड कर्चीफ फॉर योर नोज, अगर आपको हल्की सी सर्दी होगी ठंडी होगी आप क्या करोगे, हैंड कर्चीफ का आप इस्तेमाल करते हो, ओके ये हमारा बहुत ज़रूरी था उस टाइम, नीड ऑफ द आवर कह सकते हैं, अगर हमें रनिंग नोज से नाक बह रही है या हमें आप समझिए कि सर्दी हो गई, हम हैंड कर्चीफ उस टाइम में बहुत ज़रूरी होती है, ये भी हम एवरीडे यूज़ करते हैं ना, स्वेट पोंछने के लिए पसीना पोंछने के लिए जनरली ये भी एवरीडे थिंग इंपॉर्टेंट है. और आगे बढ़ के देखते हैं, व्हेन यू वांटेड टू रेस्ट यू आर वेरी हेड अलाइक अदर फोक्स यूड हैप इन टू बेड
मेलानर्स प्रेसिडेंट्स इवन किंग्स कॉन्ट गेट अलॉन्ग विदाउट एवरीडे थिंग्स। तो और हम देखते हैं जब आप थक चुके होते आराम करना चाहते तो जाए दूसरे फोक्स की तरह अलग पब्लिक की तरह यूड हॉप इन टू बेड। आप कहाँ चले तो सीधा आप हम दरअसल बेड पे जाके सोते ओके चाहे वहाँ पे कोई भी हो मिलियनर हो करोड़पति लखपति इंसान हो या देश के प्रेसिडेंट्स हो या इवन किंग्स राजा भी हो तो उनको यही करना पड़ता है कॉन्ट गेट अलॉन्ग विदाउट एवरीडे थिंग। वो भी बच नहीं सकते वो भी पलंग पे जाके सोएंगे। हो सकता है हम ऑर्डनरी पलंग पे सोएंगे वो मतलब अच्छे कुशंस के होवे अच्छे सोने की पलंग पे सोते हो गए किंग्स हमने सुना है पढ़ा है ना तो चांदी के थाली में खाते हो वो थिंग्स डिफरेंट लेकिन एवरीडे थिंग्स तो वही है चाहे मटेरियल अलग है लेकिन वो भी इससे बच नहीं सकते। तो यहाँ ये चैप्टर में हमने ये समझाया राइट एवरीडे थिंग्स से आप मतलब बच नहीं सकते चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे किंग्स हो चाहे मिलियनर्स हो। तो यहाँ हम देखते हैं शो व्हाट यू नो आप क्या जाने हो जैसे मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम को आपने ये समझा है टिक द राइट चॉइस पे आप टिक कर सकते हो। द मेन मैसेज ऑफ द पोएम इज ये जो मेन मैसेज है संदेश ये पोएम में क्या देना चाहते द प्रेसिडेंट इज़ ग्रेटर देन इज क्या प्रेसिडेंट हमसे महान है बड़े ये देना चाहते हैं या किंग्स नीड टू कोम दे हेयर क्या राजा को कंघी करना भी ज़रूरी होता है या ओके नेक्स्ट सी में दिया हाउ एवर रिच ए पर्सन मे बी देर आर सर्टन एवरीडे थिंग्स ही कॉन्ट डू विदाउट इट। ये है सही ऑप्शन ठीक है हाउ एवर रिच ए पर्सन मे बी चाहे आदमी कितना भी अमीर हो गए देर आर सर्टन एवरीडे थिंग जो रोजाना सटन पक्के कुछ करना होता उससे नहीं बच सकता ही कॉन्ट डू विदाउट इट राइट। तो ये ऑप्शन राइट है ठीक है इस पर टिक कीजिए सी पे। तो हम आगे बढ़ के और देखते हैं स्टूडेंट्स बाय द वर्ड्स रिमाइंडिंग नोट द पोएट इज रिफरिंग टू बाय द नोट ये रिफर क्या करना चाहता है यहाँ पे ऑप्शन तीन दिया ए नोट सो दैट यू डोंट फॉरगेट समथिंग ए नोट ऐसा है कि आपको कुछ बहुत सारे नोट हमें करना पड़ता है ताकि आप भूल ना जावे वो ये लेटर है ए मैसेज टू लाउड वन रिमाइंडिंग हर टू राइट बैक ओके टू ए मैसेज टू लाउड वन रिमाइंडर हर टू राइट बैक। तो इसमें ऑप्शन को टिक करना है आप पढ़ के। नेक्स्ट थर्ड देखिए बाई यू कूडेंट साइन द लेटर पेन एन इंक द पोएट मीन्स दैट मतलब यहाँ पोएट क्या कहना चाहता है उनका क्या व्यू है बाई यू कूडेंट साइन अ लेटर आप साइन नहीं कर सकते कोई भी लेटर पे पेन एन इंक द पोएट मीन्स यहाँ क्या है ना इट इज़ डिफ़िकल्ट टू साइन विद पेन एंड इंक क्या ये मुश्किल है क्या पेन एंड इंक साइन करना वन नीड्स पेन एंड इंक इन ऑर्डर टू साइन अ लेटर अगर किसी को लेटर पे साइन करना है उन्हें पेन और इंक की ज़रूरत होती है ए लेटर में मे नॉट बी साइन ए लेटर शायद साइन करे साइन ना करे तो हो सकता है बी आंसर सही है गॉट इट। नेक्स्ट तो आप फोर्थ यहाँ पे देख सकते हैं ए वर्ड इन द पोएम विच मीन्स टायर्ड इज टायर्ड यहाँ थक चुके इसका मतलब हॉप है वेरी है इले यहाँ पे बी वेरी ठीक है। तो इस तरह का आपको अंडरस्टैंड करना लैंग्वेज में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया देखे आंसर दिस क्वेश्चन इज नोटबुक में आपको आंसर करना है राइट मिलियनर्स प्रेसिडेंट्स एंड किंग्स आर लाइक ऑर्डनरी पीपल बिकॉज क्योंकि वो भी एक ऑर्डनरी पीपल है बिकॉज क्यों। नेक्स्ट सेकंड में देखें नेम ए फ्यू मोर थिंग दैट बोथ रिच एंड ऑर्डनरी पीपल डू और जो अमीर भी वो करते हैं ऑर्डिनरी इंसान भी करते हैं वो क्या चीज़ है आपको लिखना है ठीक है। सो लर्न द पोएम फॉर रिसिटेशन इसको पोएम को लर्न करना बाय हार्ट करना है। नेक्स्ट सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर है अच्छे से आप समझे होंगे मुझे उम्मीद है। तो नेक्स्ट और हम आगे ग्रामर पार्ट भी करते आगे चैप्टर्स करते सो इन दिस आपको ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है ये टाइम का और आई होप आप इसको वीडियोस को देखा करें रेगुलर और इसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग करें और टीचिंग मतलब लर्निंग कर सके अच्छा रेगुलर और सो यू कैन गेट रेगुलर अपडेट फॉर दिस। थैंक यू।